बोलना भी है, बुलवाइए। चेंज मेकर्स, अरे सब लोग मेहनत करते हैं, सब लोग कोशिश करते हैं कुछ नया करें, कुछ अलग करें, कि कुछ चेंज ला सकें। मैं तो अपने साथ ही लड़ रहा था कि मैं कब चेंज लाऊंगा अपने साथ, अपने ऊपर। तो इट्स ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अवार्ड फंक्शन, बिकॉज इवेंचुअली हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, गॉड इज़ काइंड, एंड आजकल जो इतना अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट मिल रही है मुझे अपने काम के लिए, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। क्या होता है ना कि काम बात करते हैं आपके लिए, तो मैंने क्लास ऑफ 83 की थी, उसके बाद मैं आश्रम की, उसके बाद मैं लव हॉस्टल, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उन्हें एक विश्वास उनका मेरे में बढ़ने लगा, और फिर दागर के कैरेक्टर को इतना प्यार मिला है कि मैं इतना ओवरवेल्म्ड हूँ, इतना खुश हूँ कि चारों तरफ से इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स और इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है। चेंज तो होते रहते हैं, हर डिकेड में कुछ ना कुछ चेंज आता है, न्यू जनरेशन, हर न्यू जनरेशन में चेंजेस आते हैं। और अब क्या है कि आजकल हमारी पॉपुलेशन बहुत यंग है, जो मूवीज़ देखती हैं, वेब सीरीज़ देखती हैं, उनके दिमाग, उनके हिसाब से उनको अलग अलग किस्म की चीज़ें देखनी हैं, और इसीलिए एंटरटेनमेंट में अभी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि क्रिएटिवली आप अलग अलग किस्म की फिल्में कर सकते हैं, अलग अलग किस्म की वेब सीरीज़ कर सकते हैं, अलग अलग किस्म के वेब कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हैं। तो OTT प्लेटफॉर्म ने ये एक ऐसी चीज़ की है कि कितने एक्टर्स जो स्ट्रगल कर रहे थे अपने आप को, उनका काम शोकेस करने के लिए, उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, डायरेक्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, राइटर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो इट्स द बेस्ट टाइम राइट नाउ। अमेजिंग, मतलब थिएटर खुल गया 100% ऑक्यूपेंसी के साथ, और क्या चाहिए यार। मैंने अपना करियर शुरू किया था सिल्वर स्क्रीन पर, और ये सबसे अच्छी चीज़ हुई है। बस ये कोरोना वापस नहीं आए, बाकी सब अच्छा है, क्योंकि सिनेमा तो हमेशा हमेशा के लिए एग्जिस्ट करने वाला है। जप नाम, जप नाम।